वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 7 टीथ एंड डाइजेशन क्लास 4 सब्जेक्ट इज साइंस. क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड गिव देयर फंक्शंस. डिफरेंट टाइप्स के टीथ्स बताइए और उनका क्या फंक्शन है. डिफरेंट टाइप के टीथ्स बेटे देखिए, नंबर 1 इंसाइजर्स, नंबर 2 कैनाइंस, नंबर 3 प्री मोलर्स, नंबर 4 आर मोलर्स. इंसाइजर्स क्या है? दे आर यूज टू बाइट द फूड. ये फूड को बाइट करने में हेल्पफुल है. कैनाइंस, दे आर यूज फॉर टेयरिंग द फूड. ठीक है, ये फूड को टेयर करने में हेल्प करते हैं. प्री मोलर्स, दे आर यूज फॉर क्रशिंग द फूड. इनका काम है दांतों का कि फूड को क्रश करना. मोलर्स, दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड. ये यूज किए जाते हैं फूड को प्रॉपरली ग्राइंड करने के लिए. तो एक बार दोबारा से देख लो, जो इंसाइजर्स हैं इनके साथ टीथ को बाइट, हमने फूड को बाइट करना है. कैनाइन से टीयर करना है. प्री मोलर से क्रशिंग करनी है और मोलर से ग्राइंडिंग करनी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. टूथ का स्ट्रक्चर आपने बेटे एक्सप्लेन करना है. जो टूथ है बेटे, इट हैज 3 लेयर्स. नंबर 1 इज इनेमल, नंबर 2 डेंटाइन एंड नंबर 3 इज पल्प. फर्स्ट लेयर इनेमल. इनेमल इज द वाइट हार्ड कवरिंग ऑफ द टूथ. जो टूथ के ऊपर का वाइट हिस्सा होता है उसको हम टूथ कहते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द बोथ फ्रॉम बियर एंड टीयर ड्यूरिंग च्यूइंग. ये बेटे जब आप कोई भी चीज खाते हो, किसी भी चीज को फाड़ते हो, चबाते हो, तब ये इनेमल जो है वो उस समय हेल्प करता है. ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम बियर एंड टीयर ड्यूरिंग च्यूइंग. नेक्स्ट है नंबर 2, डेंटाइन. डेंटाइन इज अ येलो सॉफ्ट एंड बोन लाइक लेयर ऑफ टीथ. ये बेटे येलो कलर की एक सॉफ्ट बोन की तरह की लेयर होती है. इट इज फाउंड बिलो द इनेमल. ये इनेमल के नीचे होती है एंड सपोर्ट्स द इनेमल, और इनेमल को सपोर्ट करती है. नेक्स्ट इज पल्प. पल्प इज अ सॉफ्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ अ टूथ. ये सॉफ्ट होता है और सेंटर का पार्ट होता है टूथ का. इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स. इसके अंदर बेटे ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं. इट मेक्स अस फील टूथएक. जब कभी हमारा दांत दर्द होता है, दांतों में दर्द फील होता है, तो वो उन्हीं नर्व से और वेसल से, ब्लड वेसल से हमें फील होता है. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द वेज टू टेक केयर ऑफ टीथ. कुछ ऐसे वेज बताइए, कुछ ऐसे तरीके बताइए जिससे कि आप अपने दांतों की केयर कर सकते हो. नंबर 1, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे. दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करिए. नंबर 2, रिंसिंग माउथ आफ्टर एवरी मील. जब भी कुछ खाइए तो फटाफट से हमें अपना जो माउथ है उसको रिन करना चाहिए. वैसे क्रूली करना कहते हैं ना, मुंह धोना कुछ भी खाने के बाद. रिंस योर माउथ. नंबर 3, अवॉइडिंग टू मच ऑफ स्वीट्स एंड एरेटेड ड्रिंक्स. बहुत ज्यादा मीठी चीजें या एरेटेड ड्रिंक्स, जो मीठी वाली ड्रिंक्स होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए. नंबर 4, गेटिंग चेक बाय डेंटिस्ट रेगुलरली. डेंटिस्ट से लगातार या रेगुलरली 6 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद अपने टीथ को चेक करवाते रहें. ठीक है बेटे, आज हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ चैप्टर नंबर 7. ठीक है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.